एक बार इंटी में जरूर आएगा तो लीजिए पेज से सबसे पहला पर्चे पात्र साधन साधन साधन। ये देखिए ये नंबर एक का घुसखोर दलाल पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम है इंस्पेक्टर अजय राणा। ये अजय राणा की भूमिका निभाने जा रहे हैं। ये हैं कौशल किशोर उर्फ मोतीलाल ग्राम कोटवा सड़क जिला बाराबंकी। मेरा मकसद ये वर्दी पहन के जनता की सेवा सुरक्षा नहीं है बल्कि मेरा मकसद सिर्फ दौलत कमाना, दौलत दौलत कमाने के लिए वर्दी बचाने के लिए। ये इंस्पेक्टर अजय राणा कुछ भी कर सकता है डंडा घुमा के। ये देखिए ये थाने के कांस्टेबल जिनका नाम राणा कपूर है, ये राणा कपूर की भूमिका निभाने जा रहे हैं मास्टर वकील विद्यानगर जिला बाराबंकी। नूरे हक समय इलाही को बुझा सकता है कौन, जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन। ये थाने के कांस्टेबल जिनका नाम है के लेले पांडे, ये के लेले पांडे की भूमिका निभाने जा रहे हैं गुड्डू ग्राम बिरौली जिला बाराबंकी। ये देखिए ये थाने की लेडीज यानी कि महिला कांस्टेबल है जिसका नाम है नीता कुमारी। नीता कुमारी की भूमिका निभाने जा रही हैं ये है करण डांसर कस्बा सैदलपुर जिला बाराबंकी। इंसाफ की बुझारू हूँ, इंसाफ की बुझारू, इंसाफ करूंगी अगर भाई को कहे तो गिरफ्तार करूं। कलाकार थाने का हवलदार, ये हैं हसाने के खजाने यानी कि ये हैं हवलदार जिनका नाम है जुग्गीलाल हटेला। ये जुग्गीलाल हटेला की भूमिका निभाने जा रही हैं कॉमेडियन श्रवण कुमार गाजीपुर जिला बाराबंकी। हमारा नाम जुग्गीलाल हटेला, बचपन में हमने खाया खूब केला, अच्छे अच्छे को मैंने पेला, आ गया जुग्गीलाल अकेला। साधन साधन साधन। ये चंबल का खोखा डाकू है जिसका नाम है कहर सिंह। ये कहर सिंह की भूमिका निभाने जा रहे हैं ये है मास्टर अमरेश कुमार गही गंजरिया बड़ी बाजार कस्बा जैतपुर जिला बाराबंकी। लगा दुआग बस्ती में, लगा दुआग बस्ती में जला कर राख कर डालू, उठा लू हाथ में बंदूक तो इलाका। ये कहर सिंह का साथी है जिसका नाम है डाकू ज्वाला सिंह। ये डाकू ज्वाला सिंह की भूमिका निभाने जा रहे हैं सुनील कुमार बिलौडी मोस्काबाद जिला बाराबंकी। करूंगा जुल्म की बरसात पापियां दी चला दूंगा, करूंगा जुल्म की बरसात पापियां दी चला दूंगा, अरे जवाना करेगा तौबा तहलका मचा। ये है डाकू मंगल सिंह की भूमिका निभाने जा रहे हैं ये है पीतंबर महाबली ग्राम केवलापुर जिला बाराबंकी। पत्थर पे ठोकर मारू तो पानी उछाल दू, पत्थर पे ठोकर मारू तो पानी उछाल दू, कुर्राते हो जहर क्या खैर। सावधान सावधान सावधान। ये ही आदरणीय प्रधान जी जिनका नाम है देशमुख। ये देशमुख प्रधान की भूमिका निभाने जा रहे हैं कंपनी के मैनेजर राकेश कुमार राणा सफदरगंज बाराबंकी। भाइयों दोस्तों तथा माता बहनों, जब तक मेरी पढ़ाई रहेगी कोई भी इंसान दुखी परेशान नहीं रह सकता। साधन साधन। ये भी रूपनगर ग्राम सभा के जाने माने बहुत बड़ी हस्ती है जिनका नाम है कोटेदार राम सिंह। आज के कोटेदार की शानदार भूमिका में देखे ये है मास्टर तिलक राम निवासी केवलापुर जिला बाराबंकी। हमरा नाम राम सिंह कोटेदार है और ये हमरा वादा है जब तक हमारी कोटेदारी रही ना कोई भी गरीब
कोई भी किसान भूखा नहीं रहेगा। सावधान सावधान। हाँ तो दोस्तों, ये जो आपके सामने है रूपनगर के बहुत गरीब जिनका नाम बिरजू किसान है, बिरजू किसान की भूमिका निभा रहे हैं। इसी कंपनी के मालिक जिनका नाम है राम सजीवन, ग्राम मिरौली ऑफ बाराबंकी, और जिनका दर ने मेरी बहन का ये हाल किया है, वो की मौत मारूंगा। हाँ तो दोस्तों, गौर कीजिए जो ये आपके सामने आई हैं, ये बिरजू किसान की पत्नी जिनका नाम शांति है, शांति भूमिका निभा रहे हैं हमारे सलामन डांसर सुकुल बाजार डिस्ट्रिक्ट ऑफ बाराबंकी। नहीं स्वामी जी, प्रधान जी, प्रधान जी हमारे स्वामी जी को छुड़ा दीजिए प्रधान जी। गौर करो दोस्तों, ये देखिए जो छोटा मुंडा है, ये बिरजू किसान का इकलौता बेटा है जिसका नाम है राहुल। ये राहुल की भूमिका निभाने जा रहे हैं आकाश डांसर टूल प्लाजा अहमदपुर चौकी बाराबंकी। माँ आप चिंता मत करो, मैं पापा से खुद मिलाई के निकल जाऊंगा। हाँ गौर करो दोस्तों, पर्दे भी आइए, ये देखिए ये आपके सामने आई हैं, ये इंस्पेक्टर अजय राणा की भतीजी है जिसका नाम है शिवानी। ये शिवानी की भूमिका निभाने जा रहे हैं दोस्तों, जिनका नाम पर्दे पे लिखा है। ये है पार्टी के डायरेक्टर विद्याराम डांसर यूट्यूब चैनल बाराबंकी। चाचा जी, मैं क्यों ना शिगर में मर जाऊं, पर मैं अपना घर छोड़ करके कभी नहीं जाऊंगा। ये दोस्तों, आप लोगों ने हर कलाकार का परिचय पास साथ साथ डायलॉग सुना, जो डायलॉग बोला गया एक बार एंट्री में जरूर आएगा। तो आप लोगों ने फिल्म देखा होगा, यानी कि पिक्चर, फिल्म के पोस्टर हर चौराहे, हर कस्बे, हर शहर, हर गांव, हर मोड़ पे लगा देखा होगा। जिस प्रकार से पोस्टर में फोटो होते हैं, उसी प्रकार से पिक्चर में सीन दिखाई जाती है। तो लीजिए दोस्तों, सबसे पहले फिल्मी सर्कस स्टाइल टेलर यानी कि काफी, उसके बाद भी शानदार कहानी। तो आइए दोस्तों, पीछे शानदार टेलर। ये देखिए, ये इंस्पेक्टर अजय राणा है, जुग्गी लाल हटेला और सभी पुलिस कर्मचारी। इधर देखिए, चंबल का खोखा डाकू कहर सिंह, डाकू ज्वाला सिंह, डाकू मंगल सिंह और साथी। फिर आप लोग कहानी भी देखेंगे, कौन कैसे पुलिस वालों से ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो भैया। तो आइए दोस्तों, कौन जीता है, कौन मरता है, समाप्ति कॉपी। कमेडी से कहना, कृपया सावधानी का बर्ताव रखें, तभी कार्यक्रम में मजा आएगा, नहीं आप लोग लफड़ा करेंगे, कार्यक्रम मिस्टेक हो जाएगा। तो लीजिए दोस्तों, आज रात मालिक राम सजीवन की वो से शानदार धमाका, शानदार जल जला मालिक राम सजीवन की उसे देखना मत बोले दोस्तों। जिस ड्रामा का नाम है जीता हुआ प्रत्याशी, सियासत की दंग, उर्फ गरीबों का मसीहा मसीहा मसीहा। ये देखिए, आप लोग हमारी बातों को सुनते जाइए, कॉपी देखते जाइए, ये कॉपी आपको संकेत की जाती है। इधर देखिए, देशमुख प्रधान है जो गला दबोच करके खड़ा है, ये गरीब बिरजू किसान, साइड में पुलिस लगी है। लेकिन सोचने की बात है दोस्तों, आखिर इस कहानी में एक गांव का प्रधान यानी कि राजा होते हुए गरीबों के साथ में, किसानों के साथ में कौन सा अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा करता है, जो कि क्रोध की ज्वाला में भड़क करके, झापट करके बिरजू किसान प्रधान का गला क्यों दबोच देता है। फिर पुलिस आ जाती है। तो भाई दोस्तों, जैसे कॉपी देखा है, ट्रेलर देखा है, फोटो देखा है, जब कहानी देखेंगे तब समझेंगे आखिर इस कहानी में प्रधान का गला बिरजू किसान क्यों दबोच देता है। तो लीजिए दोस्तों, समाप्ति कॉपी। तमाशा न देखा तो हसरत रहेगी, हर जीवा पे शिकायत रहेगी। मैटर राम सिंह शानदार, इसी ग्राम में शानदार आप लोगों ने खेल देखा होगा लगभग 25 साल पहले, जिस कहानी का नाम था नदी बेतवा की लड़ाई, मलखान समर गजमोती सती। इसके बाद आप लोगों ने देखा होगा इसी ग्राम में उखड़ी में दहेज का मीठा दुंगा चम्बल की गुण में रदन, और इसी मंच में मैटर राम सिंह का शानदार प्रदर्शन, भोले बाबा के दरबार में देखा होगा पाप को जला दूंगी देश के गद्दार,
तो आइएगा शानदार पेश फिल्म का अगला ट्रेलर। इधर बिरजू किसान प्रधान और कोटेदार के खिलाफ आवाज उठा देता है, लेकिन ये दरिंदे इंतकाम का बदला लेने के लिए बिरजू के परिवार को ऐसी तबाही मचा देते हैं, ऐसा कोहराम मचा देते हैं, इनके परिवार की रोज थर्रा उठती है। एक बार फिर पर्दे में देखेगा तो आइएगा शानदार खत्मा फिल्म का ये ट्रेलर। शानदार इसी ग्राम में आप लोगों को देखा होगा जिसका निकल नाम था नेटा दी सुभा को जल उठा सिंदूर और पापी के पाप से कांपनी धरती, तो आइएगा शानदार पेश फिल्म अगला ट्रेलर। इधर डाकू कहर और इस तरह जराना की दुश्मनी बढ़ जाती है, दरिंदा मौके पाते ही उसके भतीजी को उठा लाता है, तो शानदार कहानी में देखेगा आइएगा शानदार खत्म फिल्म का ये ट्रेलर। हेलो भैया कमेटी से कहना है कृपया भैया शांति का वातावरण बनाए रखे। भैया आप सभी लोग साथ दे दीजिए, गाड़ी एम्बुलेंस आ रही है साथ दे दीजिए, लेकिन ये भैया इधर से निकल नहीं पाएंगे, कहाँ निकल पाएंगे भैया, गाड़ी जिसकी लाख है वहाँ कोलिया में खड़ी है उसको लाख हटा दीजिए ताकि गाड़ी निकल जाए, जिसकी भी गाड़ी वहाँ खड़ी है रोड पर उसे हटा दीजिए ताकि गाड़ी निकल जाए। बाकी सभी लोग बैठ जाओ भैया, बाकी जिसकी गाड़ी नहीं खड़ी हो सभी लोग बैठ जाए, आप लोग बैठ जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, और जिस भाई की गाड़ी अगर रोड पे लगी हुई है हाँ जिसकी गाड़ी रोड पर लगी है उसको साइड में कर लीजिए, उसको साइड में कर लीजिए, महादेव जी धन्यवाद है। हमारे कमेटी के अध्यक्ष भैया, तो हमारे मेला कमेटी से कहना है दो कुर्सियां भेज दें या निथा सीधी का तवा बंद, या के हमारे दिनेश कुमार ठाकुर उनका कहना है कि दंगा फसाद मत कीजिएगा, शांति का परिचय रखें, महान कृपा होगी। हाँ कृपया दोस्तों, ओम जय हिंद सजीवन संगीत नृत्य मंडल की ओर से आज की रात फिल्म चलने जा रही है जीता हुआ प्रत्याशी, जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। फिल्म की पहली सीन और पहला आइटम देखिए, ये रूपनगर है, रूपनगर का थाना लगा होता है, सभी पुलिस कर्मचारी बैठे होते हैं, फिर आगे देखो कहानी में क्या होता है। अटेंशन अटेंशन अटेंशन, तुम यहाँ के कौन हो? आई एम चौकीदार। तुम्हारा नाम क्या है? धनी राम पासी, खाते हैं बासी लगाते हैं फांसी। साले फांसी की बात करते हो? यस। तुम यहाँ के चौकीदार हो? हाँ साहब। तुम्हारी लाठी वाठी कहाँ है? लाठी हमारी इस गांव वालों ने चुरा ले गई। अरे रे, एक चौकीदार हो तो तुम्हारी लाठी को गई? हाँ साहब, अभी भी मड़फा होने लगा था, तीन लोग के मैंने तीन लट्ठ कस दिए, एक लोग लाठी लेकर भग गए। और साफा क्या हुआ? गंदा हो गया, बरेठक छोड़ दे रही धुलने के लिए। हाँ फिर बाबा के रंगोछा लाने से तेरे हित काम चले याद दी। ठीक है ठीक है, ये बता यहाँ का हवलदार कौन है? जुग्गी लाल हटेला। वो ड्यूटी कितने समय आता है? सुबह के एक बजे। सुबह के एक बजे? हाँ साहब। या कि दोपहर में एक बजते हैं बे? साहब नाक पकड़ो चाहे नकुना, दिन भर में कह दे तो एक बजे था। पर यहाँ की ड्यूटी सुबह 8 बजे की है? नहीं, हम लोग तो 8 बजे आए थे। और वो? कोई लेट के आवा था। लेट में आता कि? हाँ साहब लेट के आवा। फिर बात? लेट में आता है? हाँ साहब। उससे आने दो, उससे मैं खुद बात करता हूँ। आते होंगे। हेलो हेलो हेलो, घर के का है मेहरारू, घर के का है मेहरारू, कर देऊ छोड़ दियो दारू,
घर के कहाँ में है सुबह के एक बजे या कि दोपहर में एक बजे आज आप जो नाक पकड़ो जो नकुना बात एक दिन भरे में कहते तो एक बजे थे और फिर जो काम हुआ तो एक बजे के बाद हुआ था कौन तक काम अब कहूँ टकैती पर जाए एक बजे के बाद अच्छा भैंसी खोल जाए एक बजे के बाद सेंध कट जाए एक बजे के बाद रिपोर्ट लिखावे जाओ एक बजे के बाद मेहरुआ भाग जाए एक बजे के बाद अरे रे रे औरतों के भागने के लिए कोई समय होता क्या और कहा खड़ी दोपहर में तो लोटिया में पानी लेके बगिया बगिया भागा था औरतों के बारे में काफी जानकारी है तुम्हें जानकारी का त्यार हम खुदे भगा ये बात तुम्हें दोबारा हमारा सामने नहीं कहना जी मैं तो ताले उठा के अंदर कर दूंगा अब अंदर करे तो निकाले कोशिश कह रहे उन्हें अंदर सड़ जाए क्या बे हम साहेब हम तो तू साला अपनी बात कर रहा है जी क्या हुआ ये तुमने नेकर किस तरीके से पहनी है तुम्हारी नेकर में ना ही चैन है ना ही हुक ना ही बटन वगैरह है वो सामने सब ताले खुला खुला दिखाई दिया करता है तुम्हार नहीं तो खुदे नहीं दुरु तो क्यों बे 24 घंटा तुम्हार निगाह यही ऊपर रहा साले क्या बात है
तुम्हारे पे चेहरे पर 12 क्यों बजा हुआ है? 12 का 12 वाली बातें करो तो क्या हुआ? तनख्वाह नहीं दबा पाओ और का भाव? तुम्हारी तनख्वाह बाकी है और का? कितने महीने की? 6 महीना हो गई, 1 रुपया नहीं मिला। ओ माय गॉड, माय गॉड का तुम सब जने अपन अपन खर्चा चला रहे हो, कब इनके बारे में सोचे हो? ठीक है चिंता मत कर, आने वाली 30 तारीख को मैं तेरा वेतन दिला दूंगा। यार 30 तारीख तो हम 6 महीना ले दौरी, देखो तारीख तुम्हारे कब पूर हुए तो तुम कब हमका दियो? क्या भाई तनख्वाह? हमारा तनख्वाह हमका दियो, हमारे घर में लंबा परिवार लंबा खर्चा है, हमारे घर से रोज फोन के ऊपर फोन आवर रोज हमका जवाब दिए पड़त है। भाई परसों हमारे मेहरुआ फोन की कहे मेरे प्राण पत देव स्वामी जी, आप 5 साल हो गए मेरा गौना लेकर आए हो, आप उसी दिन से ड्यूटी पर चले गए, लौट के घर का नहीं आए हो, मैं यहाँ पर 5 बच्चे की माँ बन चुकी, 6ठा बच्चा होने वाला, कृपया करके कुछ पैसा वगैरह भिजवाने का कष्ट करें। कैसी बातें कर रहा है तू? 5 साल पहले तो अपनी दीदी गौना लेकर के आया था ना जी, उसी दिन ड्यूटी पर चला आया है जी, वापस घर तो गया नहीं? अब ही कहा, तब तो तेरी मुलाकात तेरी बीवी से हुई नहीं होगी। तुमका मुलाकात पर ये भाई हम सकल नहीं देखा कौनी दिल के है। ओ माय गॉड, यानी कि तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। ये बता, जब 5 साल में तेरी मुलाकात तेरी बीवी से कभी हुई नहीं? हाँ नहीं हुई। यहाँ तक के तूने उसका चेहरा भी नहीं देखा है? नहीं देखा। तो फिर 5-6 बच्चे की माँ कैसे बन गई? वो तो हम नहीं जाए तो हमारी चिट्ठी पत्री तो जाए था। चिट्ठी पत्र से बच्चे होते हैं? मान लो चिट्ठी पत्री से नहीं हुए तो कुछ गांव राम मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले मेहरबानी, और वही में फर्क है कौन? हम तो सोचे हाथी घूमे गाँव गाँव जी के हाथी के नाम। तो तुम साले नाम के लिए मरते हो? नामक दैया मुआस रखा है घूम। अच्छा, और का वहा सोची रहा साहब तनखेबा दवा दे, तुम तो जाना दीदी लौंडा सयान है और दीदी बतोहे जवानी है, वो दोनों लौंडे साले उठाई की ठहर के साहेब। अच्छा, हाँ दोनों बतोहेवा हमारे माथे तो है। यानी दोनों का खर्चा पानी तुम ही चलाते हो? दुबागरी साहेब दोनों का हम ही चलाते हैं। क्या बे? खर्चा। हाँ दुकाल संजय छुटकई बतोहिया फोन की गई, पप्पा यू बताओ तुम बड़का ही दीदी ले रहा हो, हमका कब ले? क्या चीज? उनके नैहर में बढ़ा रहा है कपड़ा लत्ता लाए दिन पाल बनवा दिन, और कौन चीज? तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो? कहें भाई फिर उनका वही फोन पर समझावा हमका, जा कम मुनिया हूँ परेशान न करो, और किस जैसे महीना ही तुम्हारा नंबर है। तू साला कहता वही बात है पर घुमा फिरा के बताता है जी। अरे तुझे कहना था कि छोटी वाली बहू तू चिंता मत कर, जिस तरीके से बड़ी वाली बहू को खरीद के दे दिया है ना जी, अगले महीने में तनख्वाह मिलेगी तो तुमको भी खरीद के दे दूंगा। और का 6 महीना हो गई तनख्वाह नहीं दे, मोबाइल में ठंडी पैसा डायरी में नहीं बात अतरी लंबी करे, तो हम सोचे जबले हम पूरी बात बतावन पर पैसा बिचम खत्म हो जाए, पूरी बात ना हुई तो दिमाग लगावा हम का लो समूली बात बटोर के इकट्ठे ठोक दे, हम कहा मुनिया परेशान ना करो, किन जैसे महीना ही तुम्हारा नंबर है। बात का पूरी बात हो गई, 25 पैसे बच गए, 25 पैसे बच गए, तुम्हें बात करने का ढंग और तरीका नहीं मालूम है? फिर काहे ना हमारा तनख्वाह देवो ना देवाए पाओ तो अपने लक्ष्य हमका 500-600 दियो तो कलियो बाद में काट रहे हो। क्या बे हमारी तनख्वाह में क्या और का? या तो फिर तनी पुलिस खड़ी कोई से हमका दवा दे के पीछे के दे। क्या चीज? हमारी तनख्वाह है तो और कौन चीज? मैंने तनख्वाह देने का ठेका ले रखा। क्या बे काहे काम तुम्हारे करी तनख्वाह का? गांव वाले जे हैं का? हम लोग गवर्नमेंट के नौकर यानी सरकारी नौकर हैं। भाईया गवर्नमेंट नहीं कहा आवत है ना सरकार कहा आवत की, चलो रोड पर मनाई लड़िया लहास रखो कहो गयो डकैती पर के हुआ चलो मारपीट होएगा हुआ चलो रात दिन अलग अलग कहिया तुम हमका दौरा दौरा फिरा तो। अरे तो मैं तुमसे सीनियर हूँ ना? हाँ तो हमसे सीनियर हो तो हमका तनख्वाह दियो ना। तुम साले घुमा फिरा के मुझे उसी चौराहे पर लाकर खड़ा करते हो जहाँ की मैं जाना नहीं चाहता हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि तनख्वाह देने के लिए हमेशा किसी के पास पैसे नहीं होते। तो तुम्हारे लगे नहीं धनी पुलिस खड़ी कोई से हमका जवाब दे पीछे दे दो। जब हमारा तनख्वाह है तो और का? ठीक है जब देखो तब तुम्हारा इमरजेंसी में खर्चा लगा रहता है। साला बेवकूफ कहीं का परसों तनख्वाह बटी थी ना, इन लोगों से बात करो, इनके पास है तो ले लो, बाद में तुम्हें वापस कर देना। वापस नहीं करो लईमार समझो का? साले महा लईमार हो साला बेवकूफ कहीं का। चौकीदार जी सुवर जी सर, हम सुने तुम परसों तनख्वाह पाए।